नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम ट्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विश्व की नदियां। जी फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले आप पहली बार आए तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी क्लास आपको लगातार मिलता रहे। और दोस्तों विश्व की नदियां, बिल्कुल दोस्तों नदियों से आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ी दोस्तों जो नदी है ये कौन सी है, किस आधार पे? जल के आयतन के आधार पे दोस्तों, तो ये सही आंसर रहेगा अमेज़न। ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नंबर टू की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी व्रंश घाटी से होकर गुजरती है? मेरे प्यारे दोस्तों व्रंश घाटी से होकर गुजरती है, वो आंसर रहेगा आपका राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी। बोलगा नदी दोस्तों कहाँ गिरती है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, जो वोल्गा नदी है वो कहाँ पे जाके दोस्तों गिरती है? तो ये कैपेसियन सागर में जाके गिरती है। और कई सारे ऐसे प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको बार बार पूछे जा चुके हैं। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? किस सभ्यता को नील नदी का क्या कहा जाता है? वरदान कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता को दोस्तों। किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता को। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के दोस्तों नाम से जाना, ध्यान दीजिएगा कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को? यूरोप की जो नदी है फ्रेंड, तो वह है राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं। विश्व के सबसे व्यस्त व्यापारिक दोस्तों नदियां कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, विश्व के सबसे दोस्तों जो व्यस्त नदियां हैं वो है कोयला नदी, यानी कि फ्रेंड्स राइन नदी, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा सही आंसर। अच्छा दोस्तों बात करते हैं अभी यूरोप की, और यूरोप की सबसे दोस्तों जो लंबी नदी है, जी दोस्तों ये कौन सी है? तो यह है दोस्तों वोल्गा नदी, यानी कि यूरोप के सबसे लंबी नदी दोस्तों है वोल्गा नदी, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कमेंट जरूर करना चाहेंगे किसी भी क्वेश्चंस के आंसर अगर आप जानते हैं तो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा पर दो बार पार करती है दोस्तों? वह नदी कौन सी है जी बताइएगा दोस्तों। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जायर दोस्तों जो नदियाँ हैं विषुवत रेखा को दो बार पार करती है। कई बार स्टूडेंट्स में लाइव क्लास में आपको बता भी चुका हूँ। पराना और परागवे नदियां के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित दोस्तों जो नाम हो जाता है वो नाम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों वह नाम होता है ऑप्शन नंबर डी, लापलाता। जी हां डी रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के दोस्तों समीप होता है? मेरे प्यारे दोस्तों भूमध्य रेखा के जो समीप होता है वह दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी इज राइट आंसर। ठीक है, अगली क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, टोटल 50 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सी नदी दोस्तों मकर रेखा को दो बार गुजरती है? जी हाँ, दो बार दोस्तों काटती है, तो वह है दोस्तों आपके लिम्पोपो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लिम्पोपो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस नदी को पूर्वीय व्यापार की जीवन रेखा मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है? किस नदी को, सॉरी दोस्तों, यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो जी हाँ राइन नदी, बिल्कुल सही किया आपने, राइट किया, जो सबसे व्यस्त नदियां भी है। महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी दोस्तों नदी है? महावली गंगा किस देश की सबसे बड़ी मेरे प्यारे दोस्तों नदी है? तो वह देश है मेरे प्यारे दोस्तों श्रीलंका। जी हाँ ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। बांग्लादेश में किस नदी को दोस्तों पद्मा के नाम से जानते हैं? ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान प्रश्न फ्रेंड्स, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो वह नदियां हैं गंगा, गंगा को ही दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से फ्रेंड्स किससे होकर नहीं बहती है? मेरे प्यारे दोस्तों यह जो है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया से होकर नहीं बहती है, और यह SSC 2015 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के दोस्तों नाम से जानते हैं? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, नाइजर नदियां। ठीक है दोस्तों, नाइजर नदियां। नंबर 18 का और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर क्या रहेगा। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो मेरे दोस्तों नदियां हैं यह है आपका वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर डी। लाल नदी मेरे प्यारे दोस्तों किस देश में बहती है? लाल नदी मेरे प्यारे दोस्तों जो बहता है ये दोस्तों वियतनाम में बहता है, कहाँ पे दोस्तों? वियतनाम रहेगा सही आंसर। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश में फ्रेंड्स नहीं बहती है? दोस्तों साथियों सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया इज राइट आंसर। ये आप देख सकते हैं कि JPSC 2011 का इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। सीन नदी मेरे प्यारे दोस्तों कहाँ बहती है? सीन नदी जो बहती है दोस्तों ये बहती है कहाँ पे? फ्रांस में।
मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती दोस्तों? मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पे बहती है? ये बहती दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी, नदी जो समुद्र स्थित मरुस्थल से दोस्तों गुजरता है वह नदियाँ कौन सी है? दोस्तों वह जो नदियाँ हैं वह है कोलोरेडो, ठीक है, कोलोरेडो नदियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे दोस्तों, नील नदी कहाँ गिरती है? जी हाँ, बिल्कुल आसान है। नील नदी जो दोस्तों गिरती है, ये गिरती है भूमध्य सागर में। दोस्तों कहाँ पे गिरती है? ऑप्शन नंबर बी, नील नदी दोस्तों भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्डन नदियाँ कहाँ गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जॉर्डन नदियाँ जो दोस्तों ये गिरती है मृत सागर में। कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर में। कई बार दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है। हमांगो नदी फ्रेंड्स किस में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों? ये नदियाँ गिरता है आपको पीला सागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखनी है। ऐसे सही सारे प्रश्न दोस्तों, कई सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में दोस्तों गिरती है? जी हाँ दोस्तों, तो वह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है, डेन्यू नदी, बिल्कुल राइट वाला है। नंबर 28 का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों लग चुका है, आंसर जरूर कीजिएगा। ओब यानी कि फ्रेंड्स ओबी नदी किस में गिरती है फ्रेंड्स? तो ओबी नदी जो दोस्तों गिरती है, ये गिरती है आपके आर्कटिक सागर में। किस में? आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी दोस्तों क्या है? दोस्तों और साथियों, यह एक जो है दो नदियाँ और दो राज्य हैं। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियाँ और दो राज्य है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जानदार, शानदार, दमदार सारे दोस्तों प्रश्न भी हो रहे हैं। नंबर 30 का आंसर जरूर करना चाहेंगे, आंसर क्या रहेगा दोस्तों? किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? और सभी मित्र जरूर जानते होंगे, जो कि प्रश्न बिल्कुल आसान है। किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहते हैं? दोस्तों वह है हांगो नदी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर से कौन सी नदी फ्रेंड्स गिरती है? कैस्पियन सागर में कौन सी नदी फ्रेंड्स गिरती है? तो यह जो दोस्तों गिरता है बोलगा नदी, बिल्कुल राइट है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से दोस्तों जानते हैं? उसी क्वेश्चन को सर उलट दिया गया दोस्तों, तो वह है पद्मा के नाम से जानते हैं। सर और आमू नदियां जो फ्रेंड्स गिरती है, ये किस में गिरती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये गिरता है ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, अरल सागर में। याद रखना दोस्तों, अरल सागर में। नंबर 34 से आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर। तो लंबाई के बढ़ते क्रम में विश्व के तीन सबसे फ्रेंड जो नदियां हैं, ये नदियां कौन कौन सी है दोस्तों? तो आंसर करेंगे सबसे पहले आ गया नील, उसके बाद अमेजन, उसके बाद फ्रेंड्स मिसौरी, और उसके बाद मिसिसिपी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डेन्यू नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जो दोस्तों गुजरता है ऑप्शन नंबर डी, आपसे बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल राइट फ्रेंड्स। जी हाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड रोमेनिया। पोलैंड से फ्रेंड्स होकर नहीं गुजरता है, बाकी सभी देशों से होकर गुजर रहा है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो दक्षिण को दोस्तों प्रभावित होती है? जी हाँ, दक्षिण को प्रभावित होती है फ्रेंड्स। तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, साल्बिन इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी? बिल्कुल आसान, विश्व की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स अमेजन सबसे पहले आता है, और लंबी नदी की बात करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले कौन सी? नील नदी आता है। कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में किस देश में से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वह देश है दोस्तों इराक, जहां पे यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है। नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन से देश नील नदी के द्वारा दोस्तों अपवाहित नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही और राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वह है चाड, ए रहेगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों में से फ्रेंड्स कौन है जो सबसे लंबी है? बिल्कुल आसान दोस्तों, जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो सबसे लंबी है वह है दोस्तों अमेजन, चूंकि नील के बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों यही नदी है जो सबसे बड़ी है सबसे लंबी है, बड़ी में तो अमेजन आ जाएगा ना। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका की जो सबसे दोस्तों बड़ी नदी है वो है आपका बिल्कुल सही राइट ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस देश को इंकित करें जहां पे ब्रह्मपुत्र नदियां फ्रेंड्स क्या होती है? नहीं गुजरती मेरे दोस्तों। तो वैसे फ्रेंड्स कौन है? म्यांमार है, चीन है, बांग्लादेश है, ये भारत है। व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और ऐसे ही प्रश्न, ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप डेली चाहते हैं, हमारे फ्रेंड्स क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा क्लास सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।